और महाभारत में आज बात होगी कांवड़ यात्रा की और मुहर्रम की। जी हाँ, महाभारत में आज बात इन दोनों ही त्योहारों की, क्योंकि देश में ये दो त्योहार मनाए जाने, एक तरफ कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है तो दूसरी तरफ मुहर्रम मनाया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सब त्योहार मनाए जाए पर नियमों के तहत मनाए जाएंगे, कोई नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी। देश में सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रशासनिक सख्ती जरूरी है, पर रक्षाबंधन का त्योहार मुहर्रम कांवड़ यात्रा से पहले देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है, आज महाभारत इसी पर। क्योंकि अमेठी से तस्वीरें आई जहां मुहर्रम के जुलूस में नारे लगे, देश में रहना है तो। अब इस तरह के नारे जो शर्त बयां कर दे और वो भी धर्म के आधार पर लगाए जाए, अगर ऐसे नारे लगेंगे तो क्या ये उकसाने वाले नारे नहीं है? ये देश का माहौल बिगाड़ते नहीं है? ये सब धर्म के लोगों पर लागू होता है, किसी भी धर्म के लोग अगर ऐसे नारे लगाएंगे तो क्या देश में माहौल नहीं बिगड़ेगा? इन नारों को पहले सुन लीजिए और फिर तय कीजिए कि क्या त्योहारों के समय जो योगी आदित्यनाथ सख्ती की बात कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है। जरा इसे सुनिए। वायरल वीडियो है, इस पर पुलिस ने एक्शन लिया है, 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में रहना है तो वाली शर्त धार्मिक नारों के साथ लगाई जाएगी तो क्या इस देश में उन्माद नहीं बढ़ेगा? मैं फिर कह रही हूं, यह दोनों तरफ के लोगों पर लागू होता है और इसीलिए मैं आपको बताती हूं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या सख्त संदेश दिया जिसको लेकर अब सियासी महाभारत भी हो रही है। आपको बताती हूं कि यूपी में कांवड़ यात्रा हो या मुहर्रम, योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि किसी भी नई परंपरा की अनुमति नहीं है, किसी भी नई शुरुआत की अनुमति नहीं है। पहले मुहर्रम पर सड़कें सूनी हो जाती थी, यह योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने कहा कि ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे और यह भी कहा योगी आदित्यनाथ ने कि पीपल के पेड़ ताजिए निकलते थे तो काट दिए जाते थे। उन्होंने यह भी कहा कि सड़कों के तार भी हटाए जाते थे, लेकिन अब इस तरह की कोई अनुमति नहीं है। आज किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटती है और ना हम हटने देंगे। सरकार त्योहारों के लिए नियम बनाएगी क्योंकि ये सौहार्द बनाए रखने के लिए जरूरी है, और त्योहार मनाना है तो नियमों के साथ मनाइए, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर नहीं मनाएंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप घर बैठ जाइए। योगी आदित्यनाथ की ये दो टूक है, ये मनमानापन अब नहीं चल सकता है। ये दो टूक योगी आदित्यनाथ की है त्योहार मनाने को लेकर, आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। क्या ये जरूरी नहीं है क्योंकि त्योहार के समय या फिर आने वाले समय में जब मुहर्रम भी है और कांवड़ यात्रा भी निकलनी है, सौहार्द बना रहे, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के अमेठी में लगे ये विवादित नारे ये बताने के लिए काफी हैं कि कैसे माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। अराजक तत्व कैसे विवादित नारों के जरिए देश में नफरत का माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन ये भूल गए कि वो यूपी में है। यूपी पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये बहुत आपत्तिजनक वीडियो है, अगर इस वीडियो की सत्यता प्रमाणित होती है तो निश्चित तौर पर बहुत कठोरता से कार्रवाई होगी, क्योंकि इस तरह के भड़काऊ नारे लगा करके किसी की मजहबी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, भारत में रहना होगा तो भारत माँ की जय कहना होगा, भारत में रहना होगा तो संविधान की जय कहना होगा, ये नारा तो सब पर स्वीकार किया जा सकता है। त्योहार का सीजन शुरू हो रहा है, योगी सरकार ने ऐसे ही अराजक तत्वों पर लगाम कसने के लिए कुछ नियम बनाए। योगी ने साफ कह दिया है कि त्योहार मनाना है तो नियम से मनाओ, नहीं तो घर बैठ जाओ। पहले जैसी मनमानी अब नहीं चलेगी। मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी, आज मुहर्रम
आयोजित हो रहा है इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। ये सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। योगी ने अराजक तत्वों पर लगाम कसने के लिए कुछ नियम बनाए तो उसे लेकर सियासत शुरू हो गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे मुसलमानों को टारगेट करने वाला फैसला बता दिया। सारे रिलीजियस जितनी भी प्रोसेशंस हैं वो मत करो, सारे रिलीजियस प्रोफेशंस खत्म कर दो। हम कहते हैं ठीक है, मुहर्रम की बात कर रहा हूँ ना, आपको लग रहा है कि मुहर्रम बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए, मान लिया आपकी बात, सब सारी रामलीला सारे जितने भी गुरुओं के प्रोसेशन निकलते हैं सब बंद हो जाने चाहिए। धर्म की लड़ाई है, प्रोसेशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। यूपी में रूल ऑफ लॉ तो खत्म हो गया ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चल रहा है। सरकार ये समझती है कि हम जो कानून बना दें, जो फैसला कर दें, वही असल चीज है, वही लागू होगा। जिसको मार दो, जिसको खत्म कर दो, यही तो हो रहा है ना। योगी के फैसले पर समाजवादी पार्टी भी मैदान में कूद पड़ी। सपा नेताओं का कहना है कि मुसलमानों के त्योहार में जानबूझकर अड़चने डाली जा रही। बीजेपी की इन्हीं हरकतों की वजह से उनकी यूपी में सीटें कम हुई। समाजवादी पार्टी के सांसद ने तो यहां तक कह दिया कि यूपी में जब एसपी की सरकार आएगी तो मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं होगी। जबरदस्ती का रास्ता ये कोई न हमारा संविधान इजाजत देता है न कानून इजाजत देता है। जिस प्रकार से जबरदस्ती साइन लिए गए हैं, मैं इसकी मुखालफत में हूँ और मैं उन अधिकारियों के खिलाफ भी पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाऊँ कि हमारी जिस परंपरा के तहत राज्य निकलते थे उसी परंपरा के तहत राज्य निकलने चाहिए। योगी जी ने जो बात कही है या जो और भी लोग कह रहे हैं, कोई भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम हो वो श्रद्धा के साथ, शालीनता के साथ और शासनादेश के सम्मान के साथ होना चाहिए। और इसको भी अगर कोई इसको कम्युनल कलर दे रहा है तो वो ठीक नहीं। त्योहार के सीजन में हर साल हिंसा और उपद्रव की खबरें आती हैं। ऐसे में अगर सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कुछ नियम बनाए तो उस पर तुष्टिकरण वाली सियासत क्यों शुरू हो जाती है? क्या कुछ सियासी दल चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं हो जिस पर वो अपनी सियासी रोटियां सेक सके? आज महाभारत इसी पर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ जो मेहमान है मैं परिचय करा दूं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डीजीपी यूपी बिक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मुस्लिम एक्टिविस्ट फैज खान साहब हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता तारिक अहमद लारी साहब हैं, विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं लारी साहब आपके साथ जरा शुरुआत कर लेती हूँ। हिंदुस्तान में रहना है तो ये जो नारे चल रहे हैं, सबसे पहले तो यही पूछूंगी कि इस तरह के नारे इस देश में लगने चाहिए? इनकी जरूरत है? ये माहौल बिगाड़ने वाले नहीं है? और शायद यही वजह है जो दिखा देती है कि क्यों सख्ती त्योहार के समय आने वाले समय में की जा रही है। मैम मेरी पूरी बात सुनेंगी आप तब बीच में टोकिएगा। जी जी बोलिए प्लीज। आपने सवाल किया उसका जवाब बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। क्या ये सौहार्द बिगाड़ने वाले नारे नहीं थे? क्या ये नारे सौहार्द बिगाड़ने वाले नारे नहीं थे? इसको आप नहीं कहेंगी? मेरी आज 50 साल हो गई, मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई, हाँ तार इसलिए हटाया जाता है कि कहीं लोहे से ऊपर क्या नाम है बिजली टच होकर लोगों के साथ हादसा ना हो जाए, लेकिन मैंने किसी का घर टूटते हुए नहीं देखा है। सड़कों पे जो रेडी है उसको ज़रूर हटते हुए देखा है, क्योंकि भीड़ जा रही है, भीड़ के लिए काम करते हुए देखा है। ये जो योगी जी बात कर रहे थे अटर नॉनसेंस की बात थी, ये बिल्कुल कोरी बकवास थी, झूठ का पुलिंदा इन्होंने किया है सिर्फ हिंदू मुस्लिम राजनीति करने के लिए, क्योंकि ये थक गए। लेकिन जनता ने इनको हिंदू मुस्लिम राजनीति का जवाब हर जगह देना चालू कर दिया है, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे जहां हो रामेश्वरम वगैरह जहां हो, ये हर जगह धार्मिक स्थलों से चुनाव हार रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा जवाब इनको जनता दे रही है। आप जो कह रही हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो जो नारा लगाया गया वहां सुल्तानपुर में, सुल्तानपुर के एक कस्बे में एक गाँव में लगाया गया है, ये देन बीजेपी की है। बीजेपी ने ही सौहार्द बिगाड़ने का उकसाने का काम किया है, अब उसका जवाब मिल रहा है तो उसमें तकलीफ किस बात की है? लारी साहब आपकी तो जो सवाल है उनके जवाब में प्रेम शुक्ला जी से लूंगी। जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, क्या ये टेंशन वाली नारे नहीं थे
हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, तो क्या ये टेंशन वाले और सौहार्द बिगाड़ने वाले नारे नहीं? मैं हमेशा ये कहती हूँ लारी साहब, और आप तो महाभारत में आते हैं कि किसी भी तरह का ऐसा नारा जो किसी व्यक्ति को उकसाने वाला हो, धार्मिक नारा हो, आप गर्व से धार्मिक नारा लगाए, ये अधिकार मुझे भी है, आपको भी है, लेकिन ऐसा नारा जो दूसरे पर थोपने वाला हो वो सही नहीं हो सकता है। और हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहिए, जय भारत कहिए। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, मैं हमेशा यही कहती हूँ, इसीलिए आप कोई नए मेहमान नहीं है महाभारत में। मैं दोनों तरफ से कहती हूँ कि इस तरह का नारा जो शर्त लगा दे और कहे हिंदुस्तान में रहना है तो ये बोलो, ये नारे नहीं चलते हैं सर देश में, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, तो ये बात इसीलिए कह रही हूँ। आपका सवाल प्रेम शुक्ला जी से भी पूछूंगी, उनका फीडबैक बढ़ा दीजिए जरा। काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे बीजेपी। मैं उनकी आवाज बहुत अच्छी तरह सुन रही हूं। ऐसा नारा जो हिंदुस्तान को बांट रहा है वो नारा इन्होंने शुरुआत क्यों किया?